हाय एवरीवन, दिस इज अजय सिंह। मैं इस समय अपने खेत की तरफ आया हूँ और ये पीपल पाकड़ी का पेड़ है जो कि मुझे लगता है कि 100-200 साल पुराना है और ये इस जगह पे हम लोगों का बचपन भी बीता हुआ है। ये भी पूरा गार्डन बन चुका है पूरी तरह से। पहले इसमें बहुत साफ सफाई होती थी और ये छोटा जगह, यहाँ मछली उछली भी पालन होता था। ये मैंने यहाँ से लेके भी गया हूँ और अभी ये जगह काफ़ी जंगल नुमा हो चुका है क्योंकि यहाँ पे केयर नहीं हो रहा है। तो अभी हम ये देखिए पीपल विगत कितने, हमको लगता है 100-200 साल पुराना है, मुझे इतना तो याद नहीं है क्योंकि 30 साल तो मेरी एज है तो इसको हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो फिर अभी जस्ट यहाँ हम आए थे घूमने, आज विद्यालय नहीं जा पाए तो हमको लगा एक वीडियो यहाँ का बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ का वीडियो बना रहे हैं और आप सभी को दिखाते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे सिचुएशन है। अमरूद का बगीचा भी वहाँ है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। चार लोग मेरे साथ आए हैं और देखिए बहुत ही विशाल पेड़ है। मुझे लगता है कि इसकी आयु मुझे तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ आइडिया है आप लोगों को कितने साल पुराना है? नहीं ना, 200-300 साल होगा, इससे कम नहीं होगा। 200-300 साल में दागी नहीं है, 200-300 साल पुराना पेड़ है। और ज़्यादा आइडिया नहीं, कोई अगर मिलता है कभी भी तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको दूंगा। बहुत ही यहाँ पे एक है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहता है और मस्त लगता है यहाँ पे। आप टाइम पास करने के लिए कभी भी यहाँ आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको धूप, ये लू वगैरह, लू जो चलती है गर्मी महीनों में, उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स यहाँ पे फील होगा। कुआँ है ना ये, और ये कुआँ है यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इसको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल हमारा गिर ना जाए भैया, इसलिए कम जूम करो, क्या पता मोबाइल गिर जाए कुआं के चक्कर में। अरे बहुत, ये भी मुझे लग रहा है कि अबाउट 50-60 ईयर्स ओल्ड तो होगा, इससे कम बिल्कुल नहीं है। और ये पूरा जंगल बन चुका है। इसके पहले हम जब आए थे ना तो यहाँ बहुत साफ सफाई था, जब हम गर्मी के मौसम में आए थे ना पूरा साफ था ये। हाँ, गर्मी में ऑटोमेटिक साफ हो जाता है। तो और यहाँ का माहौल बहुत, एटमॉस्फेयर नंबर एक का है यहाँ पे, जैसे रिलैक्सफुल होता है आदमी, अगर टेंशन में हो यहाँ आ जाए तो रिलैक्स हो ही जाता है, ऐसे लग रहा है। पूरा माहौल मस्त व्यू है यहाँ का और पूरा यहाँ पे खेती होती है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है क्या लगा हुआ है, ये फूल की खेती है, जो गेंदा का फूल होता है उसकी खेती ये लगी हुई है। अभी इसको तैयार होने में लगभग 2-2.5 महीने लग जाएंगे। और ये अभी सिंचाई हुई है इसमें कुछ भी, आगे गेहूँ का खेती ये लोग करेंगे। टोटल मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये हमारा मशीन है जहाँ पे हम लोग बचपना हमारा बीता हुआ है। और यहाँ पे हम लोग नहाने के लिए आते थे, मस्त लगता था। ये मशीन बहुत पुराना है, 1965 का ये मशीन है, जो कि मैंने पेपर में देखा हुआ था कि 1965 में कनेक्शन हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1-2 साल पहले का ही रहा होगा। ये तो है नहीं कि तुरंत कनेक्शन के बाद ही पहले खुला होगा उसके बाद इसमें मशीन का निर्माण हुआ होगा। और ये हमारा मशीन, अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है और ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका है, लेकिन सिंचाई के लिए समरसेबल लगा हुआ है। और ये हमारा आशीष बेटा आ गया अमरूद खाने अनई से, और ये आशीष, और ये हमारे गुरुजी, गुरुजी भी आ गए अमरूद। अच्छा लग रहा है? नहीं, बढ़िया लग रहा है ना, कितना कितना अमरूद खाए। एक को चोरकट ऊपर चढ़ा हुआ है, एक को चोरकट ऊपर चढ़ा हुआ अमरूद तोड़ रहा है। गुरुजी कितने अमरूद खाए हैं सही से बताइए? दो ठो मस्त है या नहीं? मतलब जैसे आप अनीस यहाँ आए हैं, मेहनत सफल हुआ कि बस ऐसा ही? नहीं, नहीं, सफल है ना। ये गुरुजी बड़ा तारीफ कर रहे हैं, अमरूद बहुत बढ़िया है यहाँ का। हम तो भाई तारीफ की, हमारा सामान हम तो कवर करेंगे। देखिए इतना तोड़े हैं लोग, हम इनसे कहें सारा अमरूद तोड़ लीजिए, जितना लेके जाना सब लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कच्चा मत तोड़िए, 4 दिन बाद फिर तोड़ लीजिएगा। मस्त है, ये चढ़ा हुआ है, बहुत मेहनती लड़का है। बाकी सब यही तो मेहनती है, बाकी सब काम चोर हैं, खाली खाने वाले हैं। इसको चढ़ा के बेचारे को यूज कर रहे हैं, यही मस्त है। और ये अमरूद का पेड़ बहुत सारा था, 3-4 डालियां हम लोग काट डाले क्योंकि खाने वाला कोई नहीं था। खेत में गिरता था पूरा और मजा नहीं आता था, इसलिए खेत खराब हो जाता, बार बार बीनना निकालना पड़ता था उसमें से। देखिए यहाँ का एक सोड कट गया है, ये इसके बगल का एक था उसको कट गया है, एक इसके बगल का था ये भी और ये भी, ये सारा काट दिए हम लोग क्योंकि समस्या हो रहा था खेती में, गिर जाता था। और यहाँ पे पीछे महुआ है, और ये ऑलमोस्ट मैं भी 2 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ, तो ये महुआ है, जल्दी आता नहीं था। अभी बहुत सारा खेत मेरा उधर है, उधर 10-15 साल हो चुका है कि मैं गया ही नहीं हूँ अभी तक। मैंने खुद का अपना खेत नहीं देखा कि मेरा खेत कहाँ है। ये यहाँ पे बेल लगा हुआ है, अब ये पकने में समय है,
मुझे तो पता नहीं कब पकता है, लेकिन फिलहाल लगा तो हुआ है, ये जानकारी है। ये भी देख रही है, जूम करके दिखा रही है, बेल लगी हुई है यहाँ पे। पकने में समय है, कब पकेगा नहीं पता, शायद मई जून में पकता हो या जो भी, आई थिंक नहीं पता है मुझे, सीधी सी बात है। ये बेल का है कि काफ़ी पुरानी है, ऑलमोस्ट ये 200 साल से कम नहीं है, मुझे पूरी तरह सटीक जानकारी नहीं, लेकिन इसका कंडीशन सिचुएशन देख के लग रहा है कि 200 साल पुराना ये पकड़ी है। और इसमें गर्मी के महीनों में जब आएंगे ना, तो यहाँ जो है बहुत क्राउड रहता है, क्योंकि यहाँ लोग पार्टी भी करते हैं, सेलिब्रेशन वगैरह यहीं पे करते हैं, मीट मछली जो भी जिसको बनाना होता है इसके नीचे दोपहर में बनता है, बहुत भीड़ रहता है। यहाँ सब आते हैं आराम से, काम वगैरह खेती बाड़ी का काम करते हैं, फिर वहीं विश्राम भी करते हैं। और ये बहुत अच्छा, इसके नीचे गर्मी के महीनों में बहुत आनंद मिलता है। हाँ, हम जब भी एक दो बार आए हैं, 2 साल पहले जब हम आए थे तो देखे थे, तो यहाँ जो है काफ़ी लोग थे, औरतें बच्चे जो भी खेती का काम अगल बगल करने के लिए, धान की रुपाई हो या फिर बिया डालना हो जो भी समथिंग, तो हम देखें कि यहाँ पे भीड़ बहुत रहता था, और सब पानी खाना पीना लेके वहीं पे विश्राम भी करते थे, अपना खेती का काम भी निपटा लेते थे। अब चल रहे हैं, आशीष से कुछ बतिया लेते हैं कि भैया कैसा मज़ा आया कि नहीं तुम्हें, 9 बजे आ गए हो क्या भाई आशीष, आनंद है या नहीं, दो शब्द बता दो कि मजा आया कि नहीं, अमरूद ठीक ठाक है या फिर टाइम पास नहीं ना हुआ है। अमरूद तो एकदम नंबर एक का है, अमरूद बढ़िया है ना, यहाँ आके हम लोगों को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर का लड़का है, आप इसे टाइम नहीं मिलता है खेत में आने का, आज आ गए हैं, कोई भी काम इसको सौंप दीजिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बेचारा करता है एकदम। ये हमारे भाई जी है, बड़ा मेहनत, हाँ ये लड़का यही मेन हीरो है यहाँ, इसका मेन हीरो तो यही, बाकी सब न, बाकी सब काम चोर है। अरे भाई इधर आओ सामने, ये बताओ, सुनो ये बताओ, इनकी वजह से हम लोग यहाँ आए हैं, मेहनत हुआ ना, इनको अमरूद दोगे कि नहीं दोगे, तुम अकेले मेहनत की हो बताओ, देंगे ना, चलो ठीक है, अच्छा लगा बात करके सभी से। और ये लोग हमारे घर पे आए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लेके आए, अमरूद इन लोगों को मिला और हमको भी अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई कि भैया ठीक है तुम लोगों का अरमान पूरा हो गया। अब हम करते हैं अपने वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, धन्यवाद।